पप्पू यादव का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर टिप्पणी करना सर का दर्द बन गया है। जब से पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को खुलेआम धमकाया है, तब से पप्पू यादव को लगातार जान से मारने की धमकी आ रही है। अब पहली बार पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। जी हां, पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा है कि पप्पू यादव ने जब से लॉरेंस बिश्नोई पर टिप्पणी की है, तब से ही धमकी मिल रही है। हालांकि अब इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि सांसद को धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से ही मिल रही है। का पूरा ख्याल रखे हुए हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हम लोग की है, तो हम लोग उस पर ध्यान रखे हुए हैं। पूर्व में भी ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें से कई का हम लोग उजागर भी किए थे, जैसे पूर्व में भी कई लोग पकड़ा के गए हैं। इसमें अन्य कई मामलों में भी हम लोग जांच की, पर जांच में अभी तक कोई गिरोह के साथ कोई कनेक्शन नहीं आया। जहाँ अब तक जो मामले आए हैं सब में प्रैंक कॉल टाइप का ही आया है इसमें, या कोई अपना वैसे इंटरेस्ट रहा है उसको लेकर। कुछ समय पहले हम लोग गिरफ्तारी करके भी लाए थे दिल्ली से, और अन्य जगहों से भी इनको धमकी दी जा रही थी। और जो नंबरों का इस्तेमाल किया जा रहा था तो उसमें यही अभी तक आया था कि जो विदेश गए हैं वहाँ के नंबरों का इस्तेमाल भारत में ही हो रहा है। तो अभी तक भी जो आया है उसमें कोई कनेक्शन अब तक नहीं मिला है, लेकिन हम लोग हर थ्रेट को मान के चल रहे हैं कि एक सही थ्रेट है, उसी हिसाब से हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। हर एक की जितने भी अब तक आए हैं सबकी जानकारी ली जा रही है, सब पे काम चल रहा है। तो वही बताया कि जिस तरह से आया है उसमें, और हम लोग हर एक को एक मान के चल रहे हैं कि वो थ्रेट है, जब तक कि उसका पूरी तरह से अनुसंधान नहीं हो जाए उसमें, और जो वीडियो है उसकी हम जाँच कर रहे हैं। देखिए, चूंकि अब माननीय महोदय के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था उस कारण से हो रहा था, और जैसे आप लोग सामने हम लाए भी थे कुछ लोगों को पकड़ के, तो वो लोग के द्वारा बताया गया था कि उन लोग के द्वारा भी कोई कनेक्शन नहीं था लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से, लेकिन उनके द्वारा या तो मजाक में या अपना ही कोई निजी स्वार्थ के लिए कॉल किया जा रहा था। तो अभी तक ऐसा कोई मामला हम लोग को नहीं मिला है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से लगा हुआ हो, लेकिन इस चीज को हम लोग ये नहीं मांगे चल रहे हैं कि और भी जो अन्य हैं उसमें कोई कनेक्शन ना हो। अभी तक उनको कई जगहों से इस तरह के मिल चुके हैं, तो वैसे मैंने बताया उसको कि हम लोग सुरक्षा पर पूरा ध्यान रखे हुए हैं। जो उनको अलाउड सिक्योरिटी है वो सारी सिक्योरिटी इनको मिल रही है उसमें, इसके अलावा भी जो अन्य एजेंसी हैं वो भी लगी। बता दें कि शनिवार को पप्पू यादव को 24 घंटे में जान से मार डालने की धमकी के बाद रविवार को भी निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 5 से 6 दिन में जान से मारने की धमकी मिली। धमकी देने वाले ने खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बिहार का टीम सदस्य बताया। धमकी देने वाले ने 13 सेकंड का एक वीडियो भी उनके व्हाट्सएप पे भेजा। पहले पप्पू यादव को पाकिस्तान से आए धमकी के ऑडियो कॉल में 5 करोड़ फिरौती की मांग की गई। बता दें पप्पू यादव लगातार धमकी को लेकर मीडिया में सरेआम सबूत दिखा रहे हैं, देश की सुरक्षा व्यवस्था और खुद की सुरक्षा को खतरे में बता रहे हैं। वीडियो भेजा है कि मार देंगे अभी तुरंत, वीडियो दिया तब अभी वीडियो दिया, वीडियो के अब आगे मार देंगे तो एकदम सीधा लगातार इस तरह की धमकी मिल रही है। अभी दिल्ली में कंप्लेन किया गया, उसको देखिए ना, फोटो देखिए। अब देखना होगा कि पुलिस इसमें आगे क्या बड़े खुलासे करती है। बिहार तक इससे जुड़ी लगातार सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। देखते रहें बिहार तक।